मंच पर विराजमान अध्यक्ष जी, कर्नल साहब, अनिरुद्ध जी, भाइयों बहनों, टॉपिक बड़ा मार्मिक है और 370 से दो कदम आगे बढ़ के है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स की नींव रखता है। 370 अगर संविधान में रखा हुआ है तो 370 अकेला नहीं है। जैसा अनिरुद्ध जी ने कहा कि चैप्टर नंबर 21 में ऐसे बहुत सारे राज्यों के लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, 15 राज्य हैं, 25 आर्टिकल हैं। जम्मू कश्मीर को तो वो स्पेशल नहीं बोलता, लेकिन बाकी आर्टिकल्स को वो स्पेशल भी बोलता है। अगर 15 राज्यों के लिए इस तरह के कुछ प्रावधान हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अलग क्यों, जम्मू कश्मीर मुद्दा क्यों? आर्टिकल 370 खुद में कहता है कि हम टेम्परेरी हैं। पार्लियामेंट में चर्चा के समय भी वो बोलता है कि हम टेम्परेरी हैं, एक समय के बाद हम चले जाएंगे। टेम्परेरीनेस का सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन उसका सब क्लॉज 3 बोलता है, और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जब भी इसका काम पूरा होगा तो प्रेसिडेंट इसको अपने सिग्नेचर से सीज कर देगा। मेन प्रावधान है कि प्रेसिडेंट सीज कर देगा, बाद में प्रोविजो जोड़ा है, और प्रोविजो यह कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा करना चाहता है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सहमति ले लेनी चाहिए। पावर डेलीगेशन हमारे यहां होता ही है और सभी कंट्रियों में होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर चूंकि मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, जिस समय आर्टिकल 370 बन रहा है उस समय बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए डेलीगेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंट को दे रखा है कि अस्थायी रूप से बनाया गया है, अस्थायी रूप से इसको चला जाना है, इसको बहुत दिन तक रुकना नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट में आने की भी आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट में आने की आवश्यकता तब होती जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता, प्रेसिडेंट उसको अपने सिग्नेचर से सीज कर सकता है। आखिर जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक क्या, जब तक ये प्रक्रिया चले उतने बीच में उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसको बाकी प्राविधानों को जम्मू कश्मीर में ले जाया जा सकता है। ये जो मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन वर्ड है, ये शब्द बहुत बड़ा है और इसने ही पूरी गड़बड़ की है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम थी, गोपालस्वामी अय्यंगर ने कहा कि प्रॉब्लम है, अभी अस्थायी रूप से हम इसको डाले दे रहे हैं, इंतरिम प्रावधान है, कारण है विदेशी हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर अभी अभी आजाद हुआ है, यूएनओ के साथ हम इंटेंगल्ड हैं, अभी अभी जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम हुआ है, इसलिए हम इसको इंतरिम रूप से रखते हैं। सोचने की बात यह है कि आर्टिकल 370 जब आया तो संविधान के लागू होने के साथ ही आया होगा कि उससे पहले आया? 26 नवंबर सन 1949 को अगर संविधान लागू हो रहा है तो आर्टिकल 370 26 नवंबर 1949 को ही आ रहा है, लेकिन 25 नवंबर सन 1949 को रीजेंट एक प्रोक्लेमेशन कर रहा है और उस प्रोक्लेमेशन में वो कहता है कि भारत का आने वाला संविधान उसको मैं अपने राज्य में लागू करता हूं, और यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है तो भारत का संविधान प्रिवेल करेगा। संविधान निर्माण, संविधान पर सिग्नेचर होने से पहले प्रोक्लेमेशन हो गया है और इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। फिर हमारे हमको लगा कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने की वजह से हमने 370 जैसे प्रावधान रखे और केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं रखे, बहुत सारे राज्यों के लिए अलग अलग रखे। इस ट्रांजिशनल पीरियड में, जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, इस ट्रांजिशनल पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स आने थे, क्योंकि पावर प्रेसिडेंट को दे दी, प्रेसिडेंट को अगर पावर दे दी सीज करने की, मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन की भी पावर प्रेसिडेंट को दे दी कि संविधान जाएगा तो मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ जाएगा। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो क्या मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन का मतलब एडिशन ऑफ न्यू आर्टिकल्स भी होता है?
मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन का मतलब क्या बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे के बाहर मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन है? 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया, उसने कुछ प्रावधान सीधे लागू कर दिए। 370 कहता है मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ जाएंगे, रोकेंगे नहीं, जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे आर्टिकल्स जाएंगे, लेकिन अभी टेम्परेरीली अगर वहां पर कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो उस मॉडिफिकेशन के साथ जाएंगे। मॉडिफिकेशन के साथ जाएंगे इसलिए 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया, कुछ प्रावधान सीधे चले गए, बाकी को अभी जाना है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 में आया। 1954 का जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को आज भी हम पढ़ रहे हैं और 1950 के ऑर्डर को सुपरसीड करता है। 1954 का ऑर्डर, 1954 का ऑर्डर जो आर्टिकल्स 1950 में जम्मू कश्मीर जा चुके हैं उनको भी रोक देता है और कहता है नहीं नहीं, हम वी आर रीडिफाइनिंग। क्या आर्टिकल 370 कुछ इस प्रकार की पावर देता है कि जो आर्टिकल वहां पहुंच चुके हैं उनको भी रोका जा सकता है फ्यूचर में? 1954 के ऑर्डर में शुरुआत होती है सेकुलरिज्म से। प्रियम्बिल हमारी हमारे पास है, प्रियम्बिल में बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। केशवानंद भारती का जजमेंट आया 1973 में, और केशवानंद भारती के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच, जो सबसे बड़ी बेंच आज तक की बैठी, उसने कहा संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इवन बाय द पार्लियामेंट ऑल्सो। संविधान के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता तो क्या इस बेसिक स्ट्रक्चर के बियॉन्ड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या प्रेसिडेंट को इतनी पावर क्या मिल जाती है कि वो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के नाम पर बेसिक स्ट्रक्चर को भी भंग कर दे? 1954 का ऑर्डर कुछ इस प्रकार की ही बात करता है। सेक्युलरिज्म क्या भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक केसेस में कहा सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1954 का जो ऑर्डर है वो शुरुआत यहीं से करता है। वो कहता है कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट इट विल नॉट गो टू द जम्मू कश्मीर। शुरुआत यहीं से कर दी, प्रियम्बिल में ही शुरुआत कर दी। क्या आर्टिकल 370 क्लॉज 1 इतनी पावर देता है या दे सकता है प्रेसिडेंट को कि वो सेकुलर या बेसिक स्ट्रक्चर को भी भंग कर दे? विडंबना हमारे देश की है कि जो होता रहा वो हो रहा है और अभी तक होता रहा और हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें हो क्या क्या रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के नाम पर क्या संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है? आप जिस समय ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ऑर्डिनेंस की अपनी एक प्रक्रिया है और ऑर्डिनेंस का अपना समय है। बहुत सारे ऑर्डिनेंस प्रेजेंट सरकार ने पास किया, उस पर कितना बवाल हो रहा पूरे देश में। ऑर्डिनेंस पास होने का मतलब, कोई ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट पास करता है जो संवैधानिक पावर है आर्टिकल 123 में, उस पावर के बावजूद जिस दिन पार्लियामेंट बैठेगी उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको पार्लियामेंट से रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सरकार पास करती है और वो पार्लियामेंट में ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और संविधान में संशोधन हो जाता है और 60 वर्ष तक संविधान में लगातार संशोधन होते रहे, हो रहे हैं और जो पहले हो गए वो आज भी हैं। जैसा निरुद्ध जी ने कहा कि आर्टिकल 238 का शब्द वहां पर रखा हुआ, उसको एबोलिश हुए टाइम हो गया, लेकिन आज भी वो 238 लिखा ही हुआ है और लिखा रहेगा। सेक्युलरिज्म के बाद जब जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट हो गया, आर्टिकल 1 ने ऐसा बोल दिया कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने बोल दिया इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, तो आर्टिकल 3 क्यों नहीं लागू होगा? आर्टिकल 3 बाउंड्रीज में अमेंडमेंट कर सकता है, बाउंड्रीज में परिवर्तन कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया कि नहीं भाई, बाउंड्रीज में किसी प्रकार से केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आर्टिकल 7 में परिवर्तन किया गया,
जो लोग उस समय माइग्रेट हुए भारत से या भारत में आए विभाजन के समय पर, वो यदि जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे और पाकिस्तान चले गए तो वो आ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 7 हमारा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टिकुलर डेट तक वापस नहीं आता है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, वो पाकिस्तान का ही नागरिक माना जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में यह परिवर्तन आया कि आर्टिकल 7 के तहत जम्मू कश्मीर में यदि कोई आवागमन हुआ है तो वो आ सकता है, बाकी भारत में कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हो गया कि यदि भारत में किसी को आना हो तो पहले वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर चला जाए, वहां से वो जम्मू कश्मीर चला आया और भारत के किसी भी टेरिटरी में रहकर नागरिकता ले ले। आपने एक विंडो खोल दी, वहां से आ जाइए। इसके बाद आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स की जान है, वो कहता है कि अगर संविधान में या भारतवर्ष में कोई भी लॉ, बायलॉज, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन कुछ भी आता है, यदि वो फंडामेंटल राइट से किसी भी प्रकार से इनकंसिस्टेंट है तो वो शून्य होगा। आर्टिकल 13 में परिवर्तन कर दिया, बोले जम्मू कश्मीर में आएगा तो वो शून्य नहीं होगा। इतना सफिशियंट होता तो ठीक था। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चर्चा में रहा, छोड़ दिए कुछ आतंकवादी। आर्टिकल 22 में परिवर्तन आ गया। आर्टिकल 22 प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉस के बारे में बोलता है, निवारण निरोध अधिनियम के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉस सेंट्रल पास करता है और यदि राज्य पास करता है तो सेंट्रल से अप्रूवल लेता है, अप्रूवल लेने के बाद प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉस पास कर देता है। इसमें हमारे पास कोफी पोसा था, पोटा बहुत सुना हमने, टाडा बहुत सुना, ऐसे प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉज रहते हैं। आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 7 तक ओमिट कर दिया गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉज के मामले में केंद्र कोई भी स्टेप नहीं ले सकता। अगर प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉज के मामले में कोई स्टेप लेना है तो वो राज्य ही ले सकता है, किसको बंद करना है और किसको छोड़ना है, किसके ऊपर कैसा केस लगाना है, कैसा चार्ज लगाना है डिटेंशन लॉज के तहत, सिक्योरिटीज के तहत, वो केंद्र नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर में, वो राज्य का विषय है। अगर प्रश्न ये उठता है कि राज्य ने छोड़ दिया और केंद्र ने क्या किया, तो केंद्र कर भी क्या सकता था, संविधान में तो बहुत पहले संशोधन हो चुका है। यदि प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हैं या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि ये कहते हैं कि मुझे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो आपने संविधान में संशोधन करके जब सेकुलर वर्ड ही हटा दिया तो वो तो कहेंगे, क्योंकि सेकुलर तो उन्होंने कहा हमारे यहां आता ही नहीं है। वो अलग बात है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक वहां जाता है, लेकिन प्रियम्बिल में जो सेकुलर वर्ड, जहां पर सेकुलर सीधा सीधा लिखा था, उससे हटा दिया और बोले कि हमारे यहां कोई सेकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहां तो जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें हिंदू मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आधार उनकी हट नहीं है, आधार हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास की, हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा या हम कहें सरकार के द्वारा पास किया हुआ कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। इतना होता तो सफिशिएंट था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड आया और संसार में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किसी के संविधान में नहीं हुआ जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हमारे संविधान में हुआ। मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन के नाम पर एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, उस आर्टिकल को हमने आर्टिकल 35 कैपिटल ए कहा। भारत के संविधान में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, लेकिन विडंबना यह है कि भारत में जितने भी संविधान के वेरेक्ट पढ़े जाते हैं उसमें वो लिखा नहीं है। अगर वो लिख जाएगा और लोग पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो चिल्लाएंगे कि भाई ऐसा कैसे। आर्टिकल 35A संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 के द्वारा ऐड कर दिया जाता है। क्या मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन के साथ ये वर्ड जुड़ा हुआ है कि मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शन एंड एडिशन? मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन का मतलब बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, लेकिन यह काम बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। आपने देखा कि असम में असम हाईकोर्ट ने सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया,
कारण क्या था? उन्होंने कहा कि ये एक ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाई गई संस्था है और ऑर्डिनेंस को कभी हाउस में नहीं रखा गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सरकार ने बनाई, सरकार की एजेंसी है, सरकार एजेंसी बना सकती है, सरकार के पास पुलिस प्रशासन है और बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन आपने वो एक्ट बनाया ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उसको पार्लियामेंट में नहीं रखा। पार्लियामेंट में न रखने की वजह से असम हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो असंवैधानिक है भाई, ये तो संवैधानिक काम ही नहीं है। बाद में सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके रेगुलराइज कर दिया और जो भी हुआ। क्या आर्टिकल 35A जो एक राज्य को बिल्कुल अलग से स्टेटस दे देता है, एक राज्य को सुपर पावर बना देता है, क्या ऐसा कोई आर्टिकल बिना असेंबली में आए सस्टेन कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस पास करता है तो ऑर्डिनेंस पास करते समय क्या वो संविधान के किसी आर्टिकल को ऐड कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास करता है, बहुत सारे कानून बनाता है, भूमि अधिग्रहण बिल है, ये है, वो है, बहुत सारे कानून बनाता है। क्या संविधान में सीधा संशोधन ऑर्डिनेंस से आ सकता है? अगर आ भी सकता है तो क्या 6 हफ्ते से ज्यादा वो सस्टेन कर सकता है? आर्टिकल 35A उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आर्टिकल 35A संविधान में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आया, प्रेसिडेंट के साइन से आया और संविधान की पुस्तक में लिखा नहीं गया, उसको जोड़ा गया अपेंडिक्स में और यह कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या आर्टिकल 35A जो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को कुछ इस प्रकार के राइट होंगे कि वहां पर जो परमानेंट रेजिडेंस हैं, परमानेंट वहां के रहने वाले निवासी हैं, उनके लिए कुछ प्रिविलेज दे सकता है, उनको नौकरियां दे सकता है, उनको वहां रहने की व्यवस्था कर सकता है, वो लैंड खरीद सकते हैं, और अगर इसके अगेंस्ट में भारत की पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का कोई कानून पास करती है तो वो असंवैधानिक होगा। इतनी बड़ी पावर इतने हल्के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आपने दे दी। आर्टिकल 370 कहीं नहीं कहता कि आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, आर्टिकल 370 नहीं कहता कि भारत के नागरिकों और रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के नागरिकों में कोई भेदभाव है। अगर कहीं भेदभाव है तो आर्टिकल 35A बोलता है कि भेदभाव है और जम्मू कश्मीर की असेंबली को यह राइट होगा कि वो ये कर सकती है और भारत की पार्लियामेंट अगर उस पर करती है तो वो शून्य होगा। क्या सॉवरेन अपनी पावर को इस हद तक डेलीगेट कर सकता है कि उसके अपने हाथ कट जाएं? क्या किसी संसार का कोई भी सॉवरेन जिसके पास सत्ता संप्रभु हो वो इस प्रकार की पावर का इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी अपनी पावर क्षीण हो जाए और दूसरे को पावर डेलीगेट हो जाए? आर्टिकल 35A राज्य को पावर डेलीगेट करता है और अपने हाथ काटता है और पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या कि वो हमको पढ़ने को भी नहीं मिलता। मेरे को भी अरुण जी ने जब पहली बार आर्टिकल 35A पढ़ाया था तो ऊपर से बाउंस कर गया, मेरे को लगा कि भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं और मैं तो संविधान पढ़ाते हुए समय हो गया, हमको तो रटा पड़ा है और 35A तो मैंने पढ़ा ही नहीं और हम तो इस मौले के बारे में सोचते थे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, गूगल पर डाल के देखो। गूगल पर डाला तो मालूम पड़ा कि 35A नाम की एक चिड़िया मिली और इतनी खतरनाक मिली कि समझ में नहीं आया कि कौन से पैर से बैठती है। 35A इतना बड़ा फ्रॉड संसार के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ जितना बड़ा हमारे यहां हुआ। इसके बाद इसका आलम यहीं तक रहता तो समझ में आता है कि भाई यहां तक है, चलो अभी शांति हो गई, पावर दे दी, बात खत्म हो गई, अब शांति से तुम भी रहो अपने घर में, हम भी रहे अपने घर में। आर्टिकल 81 में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 81 असेंबली की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और पार्लियामेंट की सीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर्टिकल 81 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 75 1966 में आता है
और जो कहता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो राज्य में नहीं जाता, यानी कि जो जब कश्मीर की छोटी सी वैली 10,000 16,000 किलोमीटर में आधे से ज्यादा सीटें फिक्स कर दी हैं और बाकी का जो 80% पोर्शन है उसमें सीटें नहीं दी हैं, उसको खत्म कभी नहीं किया जा सकता। वो केवल और केवल असेंबली के हाथ में है, वो चाहे तो खत्म कर सकती है, आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ उत्साहजनक सरकार बैठी होगी 1974 में, 1972 में एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन एक्ट बना 1974 में, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया जो डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर ले जाता है और वो कहता है कि असेंबली और पार्लियामेंट दोनों की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन डिलिमिटेशन कमीशन भारत का कर सकता है। कर तो दिया लेकिन डिलिमिटेशन वहां जाए कैसे? ताज्जुब की बात है कि 1974 में डिलिमिटेशन कमीशन को रिकॉग्निशन मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मिलने के बाद भी आज तक भारत का डिलिमिटेशन कमीशन वहां गया ही नहीं और उसने वहां जो पावर उसको दे दी गई उस पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। स्टेट के डिलिमिटेशन कमीशन ने आज तक काम किया। 2002 में एक नया डिलिमिटेशन एक्ट आ गया, 1972 के डिलिमिटेशन एक्ट को वो सुपरसीड कर देता है और 1966 में जो हुआ वहां से लेकर आज तक डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर का असेंबली के हिसाब से होता, केंद्र के हिसाब से डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पॉजिटिव होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव मशीनरी ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद 2002 में नया डिलिमिटेशन लागू कर दिया। लेकिन आर्टिकल 81 अप्लाइड टू द जम्मू एंड कश्मीर आज भी यह कहता है कि 1972 का डिलिमिटेशन कमीशन वहां पर लागू है। प्रैक्टिकली डिलिमिटेशन कमीशन आज तक वहां गया ही नहीं। इसके बाद कुछ और ऑर्डर आए और ऑर्डर्स पास होने की बात ठीक है, एक बार ऑर्डर पास हो जाता है समझ में आता है कि भाई एक बार ऑर्डर पास हो गया ये चीजें जाएंगी नहीं जाएंगी। सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास करते समय ये भूल ही गई कि हम पहले भी कर चुके हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 60 जो 1960 में आया, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 89 नंबर करके 1971 में आया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 60 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 89 सेम टर्मोलॉजी सरकार ने पास कर दी, प्रेसिडेंट ने साइन करके उसको लागू कर दिया। कहने का मतलब सरकार को यहां यह भी याद नहीं रहा कि हम क्या कर चुके हैं और क्या बाकी है और क्या क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा हो सकता है ना दिया हो तो फिर से कर देते हैं। चलो जैसे लिफ्ट में एक बार बटन दबाई नहीं चली तो हमने 2-3 बार दबा दी, चलो अब तो कभी तो चलेगी, कोई तो ऑपरेशन ले लेगी। तो सरकार 1960 में ऐसा करती है, फिर 1971 में फिर पास कर देती है जिसमें कि वो कहता है कि जो स्टेट की असेंबली है, स्टेट का लेजिस्लेशन है, स्टेट का मशीनरी है, वो मशीनरी संविधान से भारतीय संविधान से नहीं चलेगी, वो जम्मू कश्मीर के संविधान से चलेगी। ऐसे ऑर्डर्स 2-2 बार पास हुए। आर्टिकल 248, हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट कि केंद्र और राज्य में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, अगर कोई बात छूट गई है, कोई कवर नहीं होती, तो रेजिडरी पावर केंद्र के पास रहती है, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। 248 में यह संशोधन किया गया और कहा गया कि रेजिड्यूरी पावर विल गोज टू द स्टेट। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों शांत हैं उस पर केंद्र को विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा, उस पर राज्य को विधि बनाने का अधिकार होगा। अब चूंकि राज्य को विधि बनाने का अधिकार होगा तो सरकार तो बड़े चक्कर में आ गई होगी, टेररिस्ट एक्टिविटी और बहुत सारे चीजें हैं वहां, बॉर्डर इश्यूज हैं,
तो सरकार को उस पर फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 129 लागू करना पड़ा 1986 में, जिसमें उसने कहा नहीं भाई, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, फोर्सेस के लिए, बॉर्डर इश्यूज के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए रेजिड्यूरी पावर केंद्र में आती है, बाकी सबके लिए राज्य में जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास करते समय यह भी भूल गए कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ही टिक जाए तो उस पर भी जो विषय है वो भी दे डाले। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का यह परिणाम है। एक बहुत विचित्र कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया आर्टिकल 368 में। हम जानते हैं केशवानंद भारती के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा कि आर्टिकल 368 के माध्यम से पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी पूरे के पूरे संविधान को संशोधित किया जा सकता है। मामला फंस गया था, क्या फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधित किया जा सकता है? चूंकि फंडामेंटल राइट को संशोधित करना मतलब अंग्रेज फंडामेंटल राइट हो गया, और अंग्रेज फंडामेंटल राइट है तो क्या उसको संशोधित किया जा सकता है? यह विषय कोर्ट में फंस गया, तो बड़ी बेंच बिठानी पड़ी। बड़ी बेंच ने उसमें कहा कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल 368 उस समय तक यानी कि 1973 में यह कहता है कि आर्टिकल 370 को भी संशोधित कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कह रही है, क्योंकि आर्टिकल 370 इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कहता पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आ गया, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से क्लॉज 4 जोड़ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 101 1975, 73 में जजमेंट आया, 75 में जोड़ दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से कहा गया कि आर्टिकल 368 के कोई भी प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बड़ी बेंच का, उस ऑर्डर को सुपरसीड कर गया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 101, और कहता है कि वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। समस्या यह आती है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का कुछ पावर कन्फर करते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स की जिस समय बात करते हैं उस समय कहते हैं आर्टिकल 32 जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट को एक्सेस करना हो तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने की पावर आर्टिकल 32 बोलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पावर इश्यू करे ये आर्टिकल 139 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स, और आर्टिकल 139 ओमिट कर दिया जाता है। यानी कि वहां की जनता सुप्रीम कोर्ट तो आ सकती है आर्टिकल 32 को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर पास नहीं कर सकता क्योंकि रिट इश्यू करने की पावर उसकी छीन ली गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे पास कोई आए, मेरे पास मिलने का तो अधिकार हो, लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, मैं क्या करूंगा? उसकी बात सुन लूंगा, सुनने के बाद कहूंगा वाह भाई वाह, तुम बहुत अच्छा कराए, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा कष्ट है मैं समझता हूं, लेकिन भाई तू जा, मैं कुछ कर नहीं सकता। आर्टिकल 139 को ओमिट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स में ये मैंने कुछ बड़े इलस्ट्रेशंस बताए, ऐसे 100 से ऊपर ऑर्डर्स आए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए और उनकी चर्चा भारत के किसी कोने में नहीं हुई और संविधान में रखा भी नहीं गया, लिखा भी नहीं गया। क्या आर्टिकल 370 इतनी पावर देता है कि वो आर्टिकल 368 को सुपरसीड कर जाए? आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में जब पावर मिली है तो क्या वो आर्टिकल 368 की पावर पर भी जाएगा? आर्टिकल 368 जो सबको संशोधित कर सकता है, जो 370 को भी संशोधित कर सकता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कहती है, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 के पावर में मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन में आर्टिकल 368 को सीज कर देता है, कहता है यह जम्मू कश्मीर नहीं जाता। आशुतोष जी का निर्देश हो रहा है, समय कुछ ज्यादा हो रहा है, अभी आगे के वक्ता हैं आप, आगे इसके साथ ही यहीं कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।